कई सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका में वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार उनके बयान भारत में कुछ लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि वे लगातार विदेशी भूमि पर जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं और खुद ही अपने देश के बारे में अनाप शनाप बोल भी रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है और इसी बीच कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान की जहां भारत में बीजेपी से जुड़े सिख नेताओं ने आलोचना की है, तो वहीं अब इसके समर्थन में खालिस्तान की मांग करने वाला आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आ गया है। उसने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि राहुल ने काफी बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका यह बयान सिख फॉर जस्टिस के अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। इतना ही नहीं, पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। साथ ही पन्नू ने यह भी कहा कि ये पंजाब की आजादी के लिहाज से सिख फॉर जस्टिस के रुख की भी पुष्टि करता है। आपको बता दें कि अब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के राहुल गांधी के बयान को समर्थन करने को लेकर बीजेपी अब राहुल गांधी पर और भी हमलावर हो गई है। बात अगर राहुल गांधी के सिखों को लेकर बयान की करें तो राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं, यह सतही है। आपका नाम क्या है? लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या एक सिख के तौर पर उन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या फिर एक सिख द्वारा गुरुद्वारा जा सकेगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि असल मायनों में लड़ाई इसी को लेकर है और सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया है। बात अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की करें तो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अलग खालिस्तान देश की मांग करने को लेकर लंबे समय से विदेश में प्रोपेगेंडा चला रहा है। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंडे के तहत काम कर रहा है। भारत में भी पन्नू ने अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर रेफरेंडम चलाने की कोशिश की थी जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि पन्नू के खिलाफ NIA ने भी केस दर्ज कर रखा है और अब जैसा कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन पन्नू ने किया है तो इसको लेकर लगातार राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और राहुल गांधी की इसको लेकर आलोचना भी हो रही है।